नागपुर मेट्रो के नाम गिनीज बुक में दर्ज हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और महाराष्ट्र मेट्रो ने नागपुर में 3.14 किलोमीटर की लंबाई की सबसे लंबे डबल डेकर वायडक्ट के निर्माण का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है। तो नागपुर मेट्रो को ये बड़ी उपलब्धि मिलने पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी ट्वीट करके मेट्रो रेल के लिए बधाई दी है। आपको बता दें कि डबल डेकर वायडक्ट पर निर्मित अधिकतम मेट्रो स्टेशनों को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता प्राप्त है। नागपुर मेट्रो का ये काम हाईवे फ्लाईओवर और मेट्रो रेल के साथ सबसे लंबा वायडक्ट सिंगल कॉलम पियर्स पर समर्थित है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र मेट्रो के MD ब्रजेश दीक्षित नागपुर मेट्रो भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के न्यायाधीश और निर्णायक ऋषि नाथ से इस उपलब्धि का प्रमाण पत्र लिया है। बता दें कि डबल डेकर वायडक्ट को पहले ही एशिया और भारत में सबसे लंबी संरचना के रूप में प्रमाणित किया जा चुका है, जबकि अब ये उपलब्धि गिनीज बुक में भी दर्ज हो गई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्धा रूट पर परियोजना को क्रियान्वित करना एक बड़ी चुनौती थी। ये त्रिस्तरीय संरचना का हिस्सा है जिसके ऊपर मेट्रो रेल, बीच में हाईवे फ्लाईओवर और जमीनी स्तर पर मौजूदा सड़क है। हमारा जो DPR एस्टिमेट 3 लाख का था, बट वो पूरे प्रोजेक्ट का था और वो कई सालों तक अचीव होता है। एक तो ये हो गई बात। अभी हमारा जो 40 में से 26 किलोमीटर चल रहा है उसमें हमारी 93,000 तक चली गई है राइडरशिप। ऑन एन एवरेज 75 से 80 चल रही है। कोई बहुत स्पेशल ओकेजन होते हैं तो 90 क्रॉस कर जाती है। मगर जब हमारा बाकी नेटवर्क जो अभी 13.5 का पूरा होने वाला ये हो जाएगा तो इमीडिएटली 1.5 लाख तक पहुँचने की उम्मीद है।